एस क्वेश्चन। है ना, एक हमारा फॉर्मूला था कि नॉर्मल अगर कंपाउंडेड एनुअली हो, हम लिखते कंपाउंडेड अगर एनुअली हो, ठीक है, तो उसके इसमें अमाउंट क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर में एन। कोई डाउट? ये मेरा एयर में था, ये एन क्या है, एन मेरा टाइम है, ठीक है, ये मेरा क्या था, टाइम था, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, ये मेरा प्रिंस अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले हाँ सर, फॉर्मूला। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंडेड एनुअली भी हो, कंपाउंडेड एनुअली भी हो, और जो टाइम है वो फ्रैक्शन में था, है ना, टाइम किस में था, फ्रैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल 2 1/3 ईयर्स। अब ऐसा ये एनुअली हर इस केस में अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये 2 साल के लिए, देखो ग्रीन कलर से इसको कर देते हैं, सॉरी ये वाला कलर से, ये 2 साल के लिए मेरा नॉर्मल लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर में क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये 1/3 बच गया, 1/3 पर क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, 1 प्लस क्या कर देंगे, RT/100। क्लियर? इस केस में ये वाला टी क्या होगा, ये वाला टी क्या होगा, ये वाला टी देखो उसे ग्रीन कलर से टी को, ये टी को ग्रीन कलर से कर दे रहे, और ये वाला देखो ये टी क्या, 1/3, गॉट इट। इस टी में हम लोग 1/3 भर देंगे, ठीक है। देख ये फॉर्मूला था। थर्ड क्या है, थर्ड है मेरा कि बहुत सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, बहुत सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा आपका मान लीजिए स्मॉल आर, फिर सेकेंड ईयर में आपका लगा स्मॉल पी, फिर थर्ड ईयर में आपका लगा स्मॉल क्यू, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके इसमें अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा सिंपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैपिटल पी, है ना, 1 प्लस आर बाय 100। पावर में कुछ नहीं हो क्योंकि 1 साल के लिए लगा, फिर सेकेंड ईयर के लिए 1 प्लस स्मॉल p/100, है ना, 1 प्लस स्मॉल p/100, थर्ड वाले ईयर में 1 प्लस स्मॉल q/100, गॉट इट। ये तीन फॉर्मूला पे हम लोग सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी लिखवाएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज का हम लोग फॉर्मूला नंबर 4। अब फॉर्मूला नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, अब देखो कंपाउंडेड क्या है, अब एनुअली नहीं है, वहां पे पिछला तीनों केस में कंपाउंडेड क्या था, एनुअली था, ये भी कंपाउंडेड एनुअली, ये भी कंपाउंडेड एनुअली, और ये भी मेरा था कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड ये भी मेरा था यस सर। एनुअली, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लिखोगे, अब मेरा है क्या, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर हम लोग इसको सेमी एनुअली भी बोल सकते, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेमी एनुअली, दोनों एक ही चीज हो गया। इस केस में मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देखो, इस केस में मेरा अमाउंट तो क्या फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल तो रहेगा, 1 प्लस आर बाय 100 भी रहेगा, आर बाय हंड्रेड नहीं रहेगा, एक सेकेंड, आर बाय, ध्यान से देखो, अब यहाँ पावर में क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से, अगर देखो सेमी एनुअली है, क्या है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब क्या है, 6 6 मंथ्स, क्या है 6 6 मंथ, ठीक है, 6 महीना 6 महीना। अगर आपका टाइम पीरियड देखो तो 1.5 साल दिया है, क्या दिया है, अगर ये 1.5 साल दिया है तो 1.5 साल में, 1.5 साल में कितना, 6 महीना होगा, 3 होगा ना, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 1 ईयर में रहेगा तो 2 6 महीना, करेक्ट। इसमें टाइम पीरियड क्या हो गया, 3 6 मंथ, इसमें हो गया 3 सेमी एनुअली, सॉरी 2 सेमी एनुअली, करेक्ट। तो इस केस में जो पावर मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2n, क्या हो जाएगा, 2n, और n मेरा किस में है, n मेरा वही है एयर में ही है, ठीक है, अब दिखाते हैं कैसे। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देना, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का नहीं लगेगा, 6 मंथ का लगेगा, क्या लगेगा, 6 मंथ का, ठीक है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो ये 2n इस 1.5 साल के लिए लगाते हैं, 1.5 साल देखो, तो 1.5 साल में इसको अगर रखोगे तो क्या 3/2 होगा ना, एन क्या होगा, 3/2, पावर में क्या है, 2n, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखा 2 2 कट गया, कितना है,
तीन आया ना, ये तीन क्या है, तीन सेमी एनुअली है, समझ में ना, तीन सेमी, तीन बार छह महीना, करेक्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ये हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है, इसको हम लोग और अच्छे से याद कर लेंगे, तो हम लोग देख लो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो टू नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 पावर में 2n, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। n क्या है मेरा, n ईयरली में हम लिख दिए हैं। अब यही माने देखो कंपाउंडेड, अब है अगला क्वेश्चन कंपाउंडेड, ऐसा अगर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली नहीं, हाफ ईयरली तभी कर दिए, क्वार्टरली, क्या है क्वार्टरली, तो मुझे बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार होते हैं, थ्री मंथ्स, अगर कंपाउंडेड एनुअली है, सॉरी क्वार्टरली है, तो चार हो गया ना, तो पावर में बस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 400 पावर में 4n, कोई डाउट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ साल का नहीं लगा, हर तीन महीना का लगा, तीन महीना लगा मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट आर बाई 400 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट तो आर बाई 400 हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। और अगर ये देखो, अगर अगर 4-4 मंथ है, अगर 4-4 मंथ है कंपाउंडेड, ऐसे है अगला क्वेश्चन, कंपाउंडेड ईयरली नहीं है, कंपाउंडेड लिखा हुआ एवरी 4 मंथ्स, कंपाउंडेड क्या है, एवरी 4 मंथ, तो हर चार महीना में है, तो मुझे बताओ 1 ईयर में कितने चार महीना होंगे, तीन होंगे ना, तो पावर में क्या हो जाएगा, 3n, सिंपली इस केस में अमाउंट क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 नहीं हो, क्या हो जाएगा, 300, करेक्ट, पावर में क्या हो जाएगा, 3n, दैट्स इट, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और सभी केस में वही चलेगा, मेरा क्या चलेगा भाई, कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते, वही होगा सभी में, सेम सभी में, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड चेंज कर रहे हैं, अब इसको लिखो, चलो लिखना है तो बस बोल देना, लिख लिया, ठीक है, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब पावर में कैसे पता करते हैं, अगर मान लो 6 महीना में, तो एक साल में कितने 6 महीना, 2, तो पावर में 2n, और यहाँ क्या हो जाएगा, r बाय 100 की जगह r बाय 200, मान लो क्वार्टर है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो पावर में हो जाएगा 4n, और यहाँ क्या हो जाएगा, r बाय 400, मान लो एवरी 4 मंथ है, तो एक साल में कितने 4 मंथ होंगे, 3, तो पावर में कितना 3n, और वहां क्या हो जाएगा, r बाय 300, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है, लिख लिया, एक मिनट, यस सर, हो गया, चलो एक सेकंड, सॉरी, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड, ये लिखो, इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट हम रिरेज कर देते हैं, तो आपके बुक का है, मेरा अग्रवाल का है, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, यस सर, लिख लिया, ठीक है, ये रहा ने, ये भी लिख लीजिए, ये वाला, हो गया सर, हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल में सीधा क्वेश्चन करते हैं आज का, तो आज का रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हाँ वही है, सबसे पहले स्टार्ट बेसिकली कर लेते हैं, तो देखो क्वेश्चन में मेरा प्रिंसिपल दिया इतना 1 लाख
56 250, ठीक है, आपका एक्सरसाइज का 8.3 हम लोग कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया मेरा 8%, ध्यान से देना, पर एनम, पर एनम मतलब एक साल का 8%, और आपका टाइम पीरियड जो दिया है, ये जो एन दिया है वो क्या दिया है, 1/1.2, सो कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा, 3/2 years, कोई डाउट? अब मेरा मेरा रहा, हाँ, और लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, ये रहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। चलो हम यहां ब्लैक से हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या है, हाफ ईयरली बताओ, एक समय कितने होते हैं, दो दो छह महीना, बस पावर में क्या हो जाएगा, 2n, और यहाँ क्या हो जाएगा, R/200, पावर में कितना हो जाएगा, 2n, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल कितना है, 1,56,250, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हम यहाँ ईयर का लिखेंगे, 8 कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × n, n कितना है, 3/2, देखा, डेढ़ साल में देखो तो, डेढ़ साल में मेरा 6 महीना कितने बार होगा, 3 महीना होगा ना, देखो पावर में अल्टीमेटली 3 आ ही गया। अब बस इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 156,250, करेक्ट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो हम ग्रीन कलर से काटते हैं, हाँ, 2 का टेबल में काटोगे तो 100, 2 का टेबल में 4, 2 का टेबल में 2, 2 का टेबल में 50, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25। ध्यान से देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 1 + 1/25 बचा, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 + 1, 26, ठीक है, 26/25, और पावर में कितना हो जाएगा, 3, पावर में कितना हो जाएगा, 3, बस सॉल्व कर लेंगे। ये देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्यूब है, 26/25 × 26/25 × 26/25, ये ध्यान से देखोगे, 26 25 × 25 × 25 का क्यूब पता कितना होता, 15625, ये होता, ये तो पूरा कट जाएगा, बस एक जीरो बच गया, तो मतलब कितने टाइम्स कटा, 10 टाइम्स, ठीक है, तो ये है ना 26 का क्यूब, 26 क्यूब करेंगे, और बाद में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 का क्यूब तो हमको भी याद नहीं है, क्योंकि उतना जरूरत ही नहीं पड़ता, क्यूब में 11, 12, 13, 17, 21 और 25, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ गया जी, इसको अगर हम सॉल्व किए, नहीं लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, हाँ चेक हो जाएगा, 17576, ये 26 क्यूब हो गया, साथ में लग गया 0, आंसर, got it? Yes, sir. लिख ले, नेक्स्ट पेज करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, आपके बुक में 12-13 क्वेश्चन है, और ये चैप्टर आप खत्म करेंगे। लिख लिए, हाँ सर, ठीक है। अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, प्रिंसिपल मेरा 1 लाख रुपए है, कितना है, 1 लाख रुपए, 5 0 हो गया, टाइम जो बोला है वो 9 मंथ्स है, कितना है, 9 मंथ्स, मंथ्स में दिया, टाइम हमको ईयर में चाहिए होता है, चलो बाद में देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 4% पर एनम, और देखो ध्यान क्या लिखा, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड लिखा क्वार्टरली। अब मुझे बताओ कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब 3-3 मंथ्स का पीरियड, कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ में कितने क्वार्टर हो गए, 4 बार हुआ है ना,
तो बस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 4n और यहाँ हो जाएगा r बाई 400। अमाउंट क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 400 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा 4। कोई डाउट? n क्या था, n मेरा इयर्स में होना चाहिए, तो 9 मंथ है ना, मंथ को मैं देखो ईयर में कन्वर्ट करूंगा, तो 9 बाई क्या कर देंगे 12 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 बाई 4, ठीक है 3 बाई 4। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 1 लाख है, 1, 2, 3, 4, 5, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 4% बाय 400, और पावर में क्या है जी एन एन कितना है 3/4। देखा ये कट गया, कट गया है ना, और हाँ सर। सो कैलकुलेट करोगे आप, देखो 1 लाख ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, देखो कट गया एग्जैक्टली 100 में, तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 डिवाइड बाय 100, पावर में कितना हो जाएगा 3। बस कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान है, 101 बाय इतना, देखो तो 5 0 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 0, ये 5 0 ये 5 0 पूरा कट गया, तो मतलब क्या हो गया 101 का क्यूब हो गया, 101 का मेरा क्यूब हो गया, ठीक है 101 × 101 × 101 डिवाइड बाय कितना हो गया, डिवाइड बाय हो गया 10, करेक्ट। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब ने दिया है ना 101 का क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, और लेंथी हो जाएगा, हम देखो साइड में करते हैं, देखो 101 का क्या क्यूब है, ओ ओ 101 का क्या क्यूब है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, अब हम लोग क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला पे रखेंगे, ए क्यूब 3a² b 3ab² × b³, हमारा काम हो जाए, ठीक है। देखो बी क्यूब मतलब बी की जगह 1, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, ab² 1 का स्क्वायर 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 को 30, 30 का 3 लिखेंगे हाथ में रखे 0, सॉरी 30 का 0 लिखेंगे हाथ में रखे 3, फिर क्या 3ab² ए स्क्वायर कर लो, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 100, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 × 3 कितना होगा 303, 303 का खाली 3 लिखेंगे और 30 हाथ में आ जाएगा, फिर बाद में क्या ए क्यूब 10 का क्यूब ना 1000, 1000 का मैं 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 103, करेक्ट, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1030301 डिवाइड बाय क्या करते हैं 10 का डेसिमल वहां गया तो 1030301, समझ में आया, समझ में आया, ये कैसे शॉर्टकट कैलकुलेट किए, एक स्टार्टिंग क्लास में बताया था ना, अगर स्क्वायर करना तो इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको देखो ए मान लिया, 10 को देखो ए मानने हैं, 1 को देखो बी माने, तो देखो ना यहाँ क्या बी क्यूब इधर से चलता है हमेशा, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही रहा, तो क्या 3ab² बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1, फिर इंटू ए मल्टीप्लाई करना तो 1 × 10 10, फिर इंटू 3 है 30, 30 का खाली 0 लेके हाथ में रखे, जब इसको कैलकुलेट किया तो 300 आया, 300 और यहाँ का 3 303, 303 का सिर्फ 3 लिखे और 30 बच गया, तो जब इसको कैलकुलेट किया 10 का क्यूब होता 1000, 1000 में से हम 30 जोड़ देंगे तो 10, ठीक है, गॉट इट। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या निकला, ये मेरा अभी तक निकला मेरा अमाउंट निकला, वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या कर देंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देंगे माइनस, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देंगे माइनस, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। आई होप गॉट इट, यस सर, ओके। तुम लोग तुम्हारा वो फ्रेंड क्यों नहीं, आयुष यादव क्यों नहीं आ रहा, मेरे पता नहीं प्रॉब्लम है कि बात होती है उससे, बात तो बहुत कम ही करते हैं, मतलब जैसे आपका क्लास हुआ था एक दिन तो आप बोल रहे थे ना मना करने की छोड़ने, तब कॉल किए तो तब बोला कि गलती से हो गया था, ठीक है। और अर्चित उससे बात होता है सर, अर्षित ग्रुप छोड़ दिया, वो बोला कि अब हम मेरा इंटरनेट कुछ नहीं चलता, हम कैसे पढ़ेंगे। हाँ सही बात है, चलो ठीक है बच्चों को बात,
तो इशू है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, लिख लो इसको। क्लियर? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। यस सर। अच्छा, अब भी आ गए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। फिलहाल हम लोग किए हैं ना डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ सेम रहा था। ये इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, ये हम छोड़ देते हैं। देखो, ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। कमला बोरोड इतना रुपया, 26,400, कहाँ से? फ्रॉम बैंक। बैंक से वो बैंक खरीद ली, ठीक है, टू बाई अ स्कूटर। स्कूटर खरीदने के लिए वो क्या की, बैंक से लोन ले ली। किस परसेंट में भाई? एट 15% पर एनम। और कंपाउंडेड क्या है? ईयरली है, डजंट मैटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपाउंडेड मेरा क्या है? ईयरली है, ठीक है। चलिए, व्हाट अमाउंट शी विल पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो लोन को क्लियर करने के लिए वो 2 साल 4 महीने के बाद दिए, तो ठीक है, क्या है? तो व्हाट, लिख देते क्वेश्चन जब इतना लिख ही दिए, तो व्हाट अमाउंट सी हैज टू पे कहां गया, टू क्लियर द लोन आफ्टर 2 years and 4 months। देखो बच्चों, बताओ ये कौन सा केस हुआ, बताओ तो। 2 साल 4 महीना और कंपाउंडेड क्या है? ईयरली है। तो ये तो वही वाला केस हो गया ना। कौन सा केस हो गया जी? कौन सा केस हुआ कि टाइम फ्रैक्शन में और कंपाउंडेड एवरली है ना। टाइम किस में है? 2 years and 4 months। तो भाई हमको तो टाइम पूरा का पूरा ईयर में चाहिए होता, तो ये तो ईयर में है, इसको ये करना पड़ेगा। तो 2 साल तो है ही, 4 months को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1/3 मतलब 7/3 years, करेक्ट। तो देखो, टाइम किस में है? फ्रैक्शन में, ठीक है। 7/3 मत लिखो, यही लिखो, करेक्ट, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया इतना years। अब देखो, ये कंपाउंडेड क्या है? एनुअली है। कंपाउंडेड क्या है? एनुअली, और एनुअली रहता है और टाइम फ्रैक्शन में रहता है। उसके समय अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता था? प्रिंसिपल इंटू 1+R/100। ये दो साल वाला पार्ट किधर आ जाएगा? 2 साल पे लगेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। 1/3 पे क्या लगेगा? 1/3 पे लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, 1+RT/100, करेक्ट। टी की जगह क्या आ जाएगा? 1/3। समझ में आया? यस सर। बस फॉर्मूला लिख देंगे, 26,400, 1+रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जी? 15% है, ठीक है। और यहाँ क्या है? स्क्वायर हो जाएगा 2 साल के लिए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15 है, इंटू 1/3/100, करेक्ट। बदलते हैं, ठीक है, इसको अब देखो सॉल्व कर रहे हैं हम। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इसको काटो तो कितना हो जाएगा? 3 बार में 5 का टेबल में कटा है, ये 20 कटा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो, 20+3 कितना हो जाएगा? 23/20, उसका स्क्वायर। इसको देखो काटो तो कितना, 5 times कटा, कुछ नहीं बचा। और 5 से कितना कटा? 20 times कटा। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 20+1 कितना हो जाएगा? 21/20, करेक्ट बच्चों। बस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
23 by 20 into 21 by 20, ठीक है। तो देखो एक जीरो दो जीरो कट गया, कट गया, काट रहे तो अलग पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो टू 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 नीचे क्या है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट है ना, और एट का टेबल में कटता है क्या, एट का ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर हाँ बिल्कुल कटता है। तो देखो टू टू एट, एट टाइम्स कितना कहता है, एट थ्री ट्वेंटी फोर, हाथे बच गया दो, ये दो दो चौबीस भी तीन बार में कट गया, ठीक है ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना हम सीधा लिख देते हैं, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 26, हाँ हाँ अच्छा एक जीरो नीचे बच गया था है ना, तो ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3, 3, 6, 6, 5, 97, और ये क्या आ जाएगा बाय 10, और ये बाय 10 अगर आप डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा ना, करेक्ट। तो इसको लिखना की जरूरत नहीं, बाय 10 देखो इसका जीरो बच गया था ना, ठीक है लिख लीजिए। मेरा मेरा वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है क्या साइड में लिखने में, नहीं सर। ये रहा आंसर, यही में जितना अमाउंट होगा आपको यही पे करना पड़ेगा। आपने 26,000 का देखो लोन लिया, वो कितना देना पड़ रहा है, 36,000, देख रहे हो कितना घाटा है, 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। ये सब काम आता है रियल लाइफ क्वेश्चन, रियल लाइफ चैप्टर है एक्चुअली, बहुत काम आता है। लिख लिए तो मैं स्लाइड चेंज करूं, कौन सा कंडीशन था, देखो टाइम किस में था, फ्रैक्शन में था, और कंपाउंडेड क्या था, एनुअली था। Shall I change the slide? Okay, I should. Thank you. देख लो अगर कहीं दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है चलो हो गया है, ठीक है हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, ठीक है आज का क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, अनिल है करके ऐसा देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कौन लिखेगा, अनिल है वो बैंक से 18,000 रुपया लेता है, 18,000 फ्रॉम बैंक लेता है, किस परसेंट पर, 8% पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है, ठीक है फॉर टू इयर्स, फॉर टू इयर्स, ठीक है। उसके बाद इफ अनिल, अगर अनिल बोरो करता सेम यही 18,000 रुपया बोरो करता,
8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो सो कितना रुपया एक्स्ट्रा पे करना पाता। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल इस तरह का हो जाएगा क्वेश्चन। आप तो खुद निकाल लोगे, निकाल के बताओ तो कितना एक्स्ट्रा पे करना, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता बैंक को, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, यही क्वेश्चन है। 18,000 लिया बैंक में 8% से सिंपल इंटरेस्ट में, अगर 18,000 बैंक से लेता कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ता, मतलब वो क्या निकालना है, क्या निकालना है, सीआई माइनस एसआई निकालना। समझ में आ रहा है ना, सीआई तो बड़ा होता है हमेशा। चलो ये खुद से करो, 8.3 में ऐसा क्वेश्चन है। बना रहे हो? शुभजीत बना रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, PRT/100 है ना। प्रिंसिपल कितना है मेरा, 18,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इतना। टाइम कितना है, 2 साल। बस कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, 16 हो जाएगा, अगर इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है 17,288 हो जाएगा, लग गया 0। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से लोन निकालेंगे, सीआई, सीआई निकालेंगे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, पी इंटू पावर में टी, कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, एनुअली है ना, हाँ एनुअली है। प्रिंसिपल कितना है, 18,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इतना, 2 साल के लिए। ठीक है, 4/50, 2/25, अगर एलसीएम लो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। 18,000 इंटू 27/25, 2 बार आएगा, सीधा ही लिख देते हैं। ठीक है, काटते हैं, कितना हो गया भाई, 25 को टेबल में काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 7 टाइम्स, 175, 5 आ गया 2 बार में ना, 0। फिर 25 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 टाइम्स। ठीक है, और ये कितना हो गया, 5 से 1 4 145। ठीक है, 25 हाँ कट गया, 1 है ना, 2 आ गया, हाँ 2 आ गया, 4 है, नहीं, 4 आ गया, 4। ये वाला पार्ट 4 होगा। ठीक है, 144 अब नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 27 का स्क्वायर होता है 729, इंटू 144 करोगे, डिवाइड बाय आपको 5, ये जो भी करोगे ये आंसर, ये आपका अमाउंट निकलेगा। अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या करेंगे, अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल, तो वहां से आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे। गॉट इट, गॉट इट। इसका आंसर है, सीधा आंसर मैं लिख देता हूँ, ये है 115.20, ये मेरा आंसर है। ये हमको इतना रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट कितना आया, अमाउंट अगर कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20995.2। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 18,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2900 समथिंग आएगा, और उसमें से हमको 2828 माइनस कर देना है, ये आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया सुभजीत? ठीक है, चलो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो। ठीक है,
चलिए चलो आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोल रहा है आर्यमान, इन्वेस्टेड 10,000 इन कंपनी, ही वुड बी पेड इंटरेस्ट इतना पर एनम कंपाउंड एनुअली, अमाउंट ही रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये तो फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा, सिंपल ये एक प्रिंसिपल दिया है, 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो 2 साल बाद कितना होगा, तो नॉर्मल जो पहला वाला फॉर्मूला बेसिक वही लगा है। ठीक है ठीक है, ये भी तो बन जाएगा आपसे। ये वाला क्वेश्चन व्हाट, ये बोला लास्ट क्वेश्चन करवाए थे शायद, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना 9261 शायद ये करवाए हैं, इन 3 ईयर्स है ना, इन 3 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। सॉल्यूशन कंपाउंडेड एनुअली, इसका सॉल्यूशन देखना है मुझे, सिंपल है, बताओ बोल रहा है अमाउंट दे दिया है तो वो क्या सम ऑफ मनी होगा, सम ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया, पी हो गया, क्या हो गया, पी हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 के पावर में n, अमाउंट दे दिया है मेरा 9261, ऐसा एक करवाया है क्वेश्चन, यही प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, टाइम कितना है जी 3 ईयर्स, काटोगे तो कितना हो जाएगा 20, देखो तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21/20 पावर में 3, 9261। देखो अगर आप ये 9261 करोगे, 21 का क्यूब भी 9261 ही होता है, और ये कितना होता है 8000, ये कट गया एग्जैक्टली, यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ गया, पी का वैल्यू आ गया 8000। ठीक है ठीक, आंसर Got it? Yes, sir. चलिए लिख लिए ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल एकदम इजी इजी क्वेश्चन, एकदम इजी इजी। व्हाट सम इन्वेस्टेड बोल रहा है, देखो व्हाट सम इन्वेस्टेड, क्या इन्वेस्ट करेंगे फॉर 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स ईयर्स कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड यहां पर बस दिया हुआ है हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली, एट 8% पर एनम विल अमाउंट टू बस बिल्कुल पिछला ऐसा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है अमाउंट का वैल्यू अलग दे दिया। व्हाट सम मतलब क्या निकालना है, मुझे पी निकालना, ठीक है चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या फॉर्मूला होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या फॉर्मूला होता है, आर एक साल में कितना हाफ ईयरली 2, तो पावर में 2n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई 200। ठीक है सब निकालना तो पी तो निकालना ही मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 8%, समय कितना है भाई देखो तो ये n कितना है बताओ, तो n है 3/2 है ना, 2 2 कट गया,
अमाउंट भी मेरे को दिया है, अमाउंट कितना दिया है 140608, ठीक है, बस बिल्कुल पिछले सा क्वेश्चन है। देखो काटोगे तो कितना टाइम्स कटेगा, ये 4, ये 100, ये 4 कटे में 25, 25, हाँ मैम क्या क्या हो जाएगा 26/25, पावर में कितना हो जाएगा 3, पावर में कितना हो जाएगा 3, 140608, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 608, 26 का क्यूब कितना होता है, ये देखो क्यूब है, ठीक है, 26 25 का क्यूब तुमको पता है 15625, 26 का जैसे हम लोग जैसे पिछले वाला इसमें निकाले थे हम लोग, है ना, हम लोग निकाले थे ना 26 का, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो तो है ना, अच्छा 175760 है ना, हाँ चलो ये कटेगा, है ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, बस और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन लेंदी है, दैट्स इट। चलो हमने निकाले 26 का क्यूब, 26 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 676 है ना, और इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकाल लेते हैं कितना आएगा भाई, 6 से 36 आधे बजे 3, 42 3, 45 आधे बजे 4, 36 4 40, 12 हाथ में बचा एक, 14 एक 15 हाथ में बचा एक, 12 एक 13, 6 7 5 7 1 1 7 5 7, थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये रहा, ठीक है, तो देखो तो ये किससे कट रहा है, लास्ट का डिजिट ये 4 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि 15 17576 था ना, 17576 है ना, 17576, हाँ ये देखो 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, कैसे पता चला, लास्ट का 2 डिजिट देख के पता चला, 4 से काटो तो थोड़ा साफ सुथरा लिखना पड़ेगा, 4 से काटो 4 1 बच गया 1, 3 12 बच गया 3, 3 3 9 1 बच गया 4, ठीक है, 4 से काटोगे तो 3 12 हाथ में बचा 5 टाइम्स कट गया 1 आ गया 2 5 और 2 करेक्ट, 52 ये कटेगा, हाँ ये नहीं कटेगा, पूरा कट छट के आप निकाल लेना, पूरा कट छट के प्रिंसिपल का वैल्यू ये है 125000, ठीक है 125000, और किसे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 2 से कट रहा है, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओगे, मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिल जाएगा, ठीक है 2 से कटाइए 147, फिर 2 से काटोगे तो देखो 1 ये रह गया 1 7 टाइम्स, फिर 15 फिर 17 फिर 6, ठीक है, अच्छा तो आ ही गया था 15765 का ही मल्टीपल है ये, ठीक है, तो 8 टाइम्स मल्टीपल है, तो एग्जैक्टली 8 बार में कटेगा, एग्जैक्टली 8 बार में कटेगा, देख लो एग्जैक्टली 8 टाइम्स कटेगा, और 15625 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो यही है, गॉट इट, यस सर, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ये लिख लिया, ये मेरा हम पीछे ले आएंगे, टेंशन मत लो, ले आएंगे, क्वेश्चन क्या है देखो, दिया है प्रिंसिपल दे दिया है 40,000, ठीक है, अमाउंट दे दिया है 46305, टाइम दे दिया है 1.5 ईयर्स, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली, ये रहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है,
तो बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते, देखो निकालते, सॉल्यूशन ये रहा। हाफ ईयरली का क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर में, अच्छा यहाँ 2n होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, करेक्ट। अमाउंट दिया है 146305, यही है ना, देख लेते हैं। हाँ ये कितना है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही तो निकालना है मुझे सर, 200 होगा और पावर में क्या हो जाएगा 2n, 2n का मतलब n का वैल्यू कितना, 3/2 है ना, 3/2। इसको आप कैलकुलेट, इस तरह क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से इसको आप इधर भेज दोगे 40,000, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस आर बाय 200 पावर में 3। तो जब ये 3 है ना, तो ये भी पक्का किसी न किसी का 3 होगा, नहीं होगा तो हम लोग लाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले इसको काटना पड़ेगा, ये काटिए जी, 5 से काटते हैं, बताओ रे 5 से काटो कितना हो जाएगा, 8 1 2 3 0, 5 से काटो तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 टाइम्स, हाँ सर, फिर ये 1 बच जाएगा, 5 से काट रहे 2 टाइम्स, हाँ सर, फिर 3 बच जाएगा, 6 टाइम्स, हाँ सर, 1 बच गया, आ गया, देख रहा नंबर दिखा दिखा लग रहा, 9261/8000, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस आर बाई 200 के पावर में 3। अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये किसी का क्यूब है ना, ये किसका क्यूब है, तो हम लोग बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 क्यूब है, 8000 किसका क्यूब है, 20 क्यूब है, करेक्ट है ना, पावर में 3। तो जब ये पावर सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा मेरा, सेम होगा, ये दोनों भी क्या होगा, ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 21/20 लिख दिए, वहां पे क्या जाए 1 प्लस आर बाई 200 हो गया, ठीक है, बस सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ऊपर हम ले जा रहे हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे हम सॉल्व कर, 1 माइनस कर देंगे, देखो अगर इसको 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 21/20 - 1 इज इक्वल टू आर बाई 200, तो यहाँ 1/20 बचेगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, आर बाई 200, ये जीरो कट गया, ये 10 टाइम्स कट गया, तो यहाँ आर का वैल्यू कितना आया, 10%, वॉट इट, समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ कर देते हैं। ठीक है सर, रखता है, ये लोग तो चला गया।